नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कुछ गोपनीय बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं एक ऐसी साधना और विज्ञान के संदर्भ में जिसे लगभग आज हम लोग खो चुके हैं। इसे हम पुराने समय में एक दिव्य मंदिर, सिद्ध मंदिर बनाने की साधना कहते थे। इसे हम दिव्य मंदिर साधना के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्या होता है दिव्य मंदिर साधना और इसका क्या रहस्य है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक ऐसा समय था जब हमारे यहाँ कोई भी कार्य किया जाता था तो मुहूर्त देखकर और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तांत्रिक और विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं होती हैं वह की जाती थी। ऐसे ही समय में कुछ विशिष्ट प्रकार के दिव्य ऋषि और मुनियों ने दिव्य मंदिर साधना का निर्माण किया था। एक ऐसे साधना जो कि आज के युग के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसका निर्माण बड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन कहते हैं अगर दिव्य मंदिर का निर्माण कर लिया जाए और दिव्य मंदिर साधना पूर्ण कर ली जाए तो संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। इस मंदिर में जब कोई साधना करता है तो वहाँ पर किसी भी लोक से शक्ति आ जाती है। इस तरह के मंदिर का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य होता था। इसमें कई सारे विद्वान तांत्रिकों की आवश्यकता पड़ती थी, सिद्ध साधकों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके बाद सात नदियों के जल से सबसे पहले भूमि का पूजन किया जाता था। इस भूमि पूजन को करने के बाद वहाँ पर सभी ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी को लाकर के सबसे पहले उस स्थान पर चारों तरफ बिखेरा जाता था और जब उस मिट्टी को डाल दिया जाता था तब विधिवत तरीके से फिर पूजन किया जाता था। इस पूजन को भी करने के कई सारे विधान थे। और इसके बाद जो आज के हम क्रिस्टल कहते हैं, उस क्रिस्टल से एक दिव्य इमारत का निर्माण किया जाता था। यह मंदिर कोई बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है और ना ही इसके लिए आसपास से बहुत सारी मिट्टी, पत्थर इत्यादि लाने की आवश्यकता पड़ती थी। और जहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हों वहाँ पर भी एक स्थान पर इस दिव्य मंदिर को बनाया जा सकता था। दिव्य मंदिर कम से कम इतना बड़ा होना आवश्यक है कि उसके अंदर बैठकर चार लोग साधना कर सकें, इतना बनाना आवश्यक होता है। यह स्फटिक नाम के पत्थर से बनने वाला मंदिर होता था। आप जानते ही हैं कि स्फटिक के अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जा विद्यमान रहती है, इसीलिए इस पत्थर को विशेष माना जाता है और इसे धारण करने से विभिन्न प्रकार की तरंग और ऊर्जाएं दिव्य लोगों की उसे प्राप्त होती हैं। इसके बाद इस मंदिर की ऊपर सतह पर एक दिव्य प्रकार का यंत्र स्थापित किया जाता था। यह माता से संबंधित एक दिव्य यंत्र होता था जिसे मंदिर के ऊपरी सतह पर स्थापित किया जाता था और उसे चलायमान किया जाता था, यानी कि वह घूमता रहे। इस दिव्य यंत्र पर पड़ने वाली आकाशीय ऊर्जा और विद्युत के माध्यम से भी इसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर इसी मंदिर में ठीक बीच यानी कि गर्भगृह में हवन किया जाता था। इस हवन को लगातार अनवरत रूप से 41 दिन तक करना होता था। इस 41 दिन के अनुष्ठान में एक क्षण के लिए भी आहुति बंद नहीं की जाती थी, चाहे
कुछ भी हो जाए, कैसी भी अवस्था हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, इसे करने के लिए बहुत सारे योग्य सिद्ध ब्राह्मण और तांत्रिक साधक लगते थे। चार की स्थिति में ब्राह्मण बैठते और हवन करते जाते। जिस ब्राह्मण का समय हो जाता वह उठता और उसके स्थान पर दूसरा उसी क्षण आकर बैठ जाता। फिर अगला ब्राह्मण उठता तो उसके स्थान पर दूसरा ब्राह्मण आ जाता। इस प्रकार से लगातार उस स्थान पर साधकों की जगह बदलती रहती, लेकिन आहूतियां नहीं रुकती थी। गोपनीय मंत्र द्वारा इस स्थान को बहुत अधिक शक्तिशाली बना लिया जाता। 41 दिन के अनुष्ठान होने के दौरान ये जितने भी साधक हैं उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन और मंदिर परिसर के आसपास ही निवास करना प्रमुख बात होती थी। यह हवन इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था कि वहां पर दिव्य रूप में देवी देवता भूत प्रेत पिशाच विभिन्न प्रकार के सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर और विभिन्न लोकों से आने वाली दैवीय आत्माएं मनुष्यों के रूप में विचरण करने लगती थी। ऐसे में यह भी समझना कठिन पड़ता था कि कौन सी आत्मा मनुष्य है और कौन सी देव तत्व वहां पर आ चुका है। इसलिए इस दिव्य मंदिर को बहुत ही दुर्लभ माना जाता था। इस दिव्य मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्ण जागृत हो जाता था। अब जब यह मंदिर का पूरा अनुष्ठान हो जाता था तब इसके चारों पीठों पर चार भैरवों को स्थापित करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भैरव जी हैं वह हर प्रकार से इस क्षेत्र की रक्षा करते थे। इनको भी पूजने का अलग ही एक विधान होता था। इन चारों भैरव शक्तियों को इनकी पत्नियों सहित स्थापित करना ताकि पूरी की पूरी चारों दिशाओं से कोई भी इस मंदिर को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब ठीक सेंटर में जहां पर यह हवन किया गया था उस स्थान पर स्फटिक का विशाल का शिवलिंग स्थापित किया जाता था जिसकी ऊंचाई 6 फुट की हो। इसी के आगे अब आपको मंत्रों का जाप करना होता था। इन मंत्रों के जाप कंप्लीट करने के बाद आपने जो इसके मंदिर के जो दो द्वार बनाए हैं, एक में आप देवी गंगा और दूसरी तरफ देवी यमुना को स्थापित करते थे। ये दोनों देवियां जल के कारण, क्योंकि इसी मार्ग से जल लाया जाएगा, उसे शुद्ध कर देती थी ऐसा माना जाता है। जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव का वह शिवलिंग पूरी तरह से जागृत हो जाता था। अब इस प्रकार आपकी लगभग एक महीने से ज़्यादा 41 दिनों की जो साधना है कंप्लीट हो जाने के बाद तकरीबन 2-2.5 महीने उस स्थान पर कुछ भी नहीं किया जाता था। इसके बाद फिर लाल धागे से अभिमंत्रित करके इस मंदिर को चारों ओर से बांधा जाता था और इस अनुष्ठान को हमेशा पूर्णमासी की रात को ही किया जाता था। तब जाकर के अंततो गत्वा वह स्थान दैवीय या दिव्य मंदिर बन जाता था। इसे दिव्य मंदिर को बनाने में 1 वर्ष तक का समय लगता था, लेकिन इसके बाद जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मंदिर से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते थे वह अत्यंत ही दुर्लभ है। आज के युग में ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं नजर आता, लेकिन अगर कोई कर पाए तो वह कहते हैं कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इस शिवलिंग के आगे बैठकर
किसी भी देवी देवता कोई भी शक्ति हो उसकी उपासना अगर व्यक्ति करता है तो वहां पर अद्भुत चमत्कार होता था। केवल मात्र 24 घंटे के अंदर वहां पर वही शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस दिव्य मंदिर में वह शक्ति वशीभूत होकर ना आ जाए। इस दिव्य मंदिर की विशेषता इसीलिए बहुत ज्यादा मानी जाती थी। पुराने समय में ऐसे मंदिर को महान दिव्य और ब्लैक होल की तरह देखा जाता था। आज की स्थिति में जैसे ब्लैक होल से हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं और उस दुनिया के हर शक्ति इस दुनिया में हर शक्ति है, बिल्कुल उसी तरह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा बड़ी आसानी से वहां से हो जाती थी। शिवलिंग के बगल में ही अचानक से मंत्र जाप करते हुए ऐसा त्रिआयामी द्वार खुल जाता था जो ब्लैक होल की तरह था, जिसके अंदर कदम रखते ही आप किसी भी देवी और देवता के लोक में चले जाते थे। यही वह मार्ग था जिसके माध्यम से ऋषि मुनि सीधे ब्रह्म लोक तक जाकर फिर वापस पृथ्वी पर भी आ जाते थे, जैसा कि हम वेदों और पुराणों में पढ़ते हैं। दिव्य महापुरुषों को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह इस मंदिर में आकर जो भी साधना करेंगे उस देवता को प्रत्यक्ष होना ही पड़ता था। आज के युग में ऐसा मंदिर अगर बनाना आ जाए तो हम बहुत ही सहजता से किसी को भी सिद्धि दिलवा सकते हैं, लेकिन आज के युग में स्फटिक की इतनी बड़ी मात्रा से बनाना गया मंदिर बहुत ही कठिन है। स्फटिक का शिवलिंग को ही प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा क्योंकि उच्च श्रेणी के स्फटिक से यह मंदिर बनाया जाता था। आज की स्थिति में अगर इस मंदिर का निर्माण कहीं पर भी किया जा सके तो वहां से दूसरी दुनिया को जाने का मार्ग खोला जा सकता है। साधक सीधे सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है, वहां के ऋषि मुनियों के लोकों में जा सकता है, यहां तक कि शिवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक। संसार में ऐसा कोई लोक नहीं है जिसमें वह सशरीर वहां तक ना पहुंच पाए। हालांकि इसमें एक शर्त होती थी कि वहां जाने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही वापस भी आना है, यह वचन देना पड़ता था। द्वार स्वयं पूछता था कितने समय के लिए जाओगे, तब द्वार को कहना होता था कि पृथ्वी के 24 घंटे के अंदर ही मुझे इसी मार्ग से वापस आना है, आप इसमें मेरी सहायता कीजिएगा। और मार्ग यह भी पूछता था कि कौन से देवी या देवता के दर्शन और किस जगह का दर्शन आपको करना है। तो यह एक प्राचीन विद्या थी जो आज गोपनीय है, विलुप्त हो चुकी है। अगर ऐसी कोई मंदिर का निर्माण आज भी किया जा सके तो संसार में कुछ भी करना संभव हो जाएगा, कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकेगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।